हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक अननोन फैक्ट्स पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्पेस स्टेशन के बारे में, यानी अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। इसे कब लॉन्च किया गया, किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया और ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है दोस्तों। तो डटे रहिए यूनिक अननोन फैक्ट्स के साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को 1998 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। यह एक फुटबॉल के मैदान के आकार की एक स्पेस लैब है दोस्तों, जो पृथ्वी से करीब लगभग 420 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा चंद्रमा तथा अन्य उपग्रहों की भांति यह भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है दोस्तों। इसमें 19 देशों के 200 से अधिक अंतरिक्ष यात्री अब तक रिसर्च और मिशन के उद्देश्य से सवार हो चुके हैं। वर्तमान समय में दोस्तों ISS अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा मानव निर्मित उपग्रह होगा दोस्तों। ISS कार्यक्रम विश्व की कई स्पेस एजेंसियों का संयुक्त उपक्रम है, अर्थात कई एजेंसियों द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से इसे बनाया जा रहा है दोस्तों। इसे बनाने में संयुक्त राज्य की नासा के साथ रूस की रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपीय देशों की संयुक्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESS काम कर रही है दोस्तों। इसके अतिरिक्त ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी भी कुछ अनुबंधों के साथ नासा के साथ कार्यरत है दोस्तों। इसी तरह इटालियन स्पेस एजेंसी भी कुछ अलग अनुबंधों के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है दोस्तों। पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होने के बाद ISS को नंगी आंखों से देखा जा सकेगा दोस्तों। यह पृथ्वी से करीब 350 किलोमीटर ऊपर औसतन तथा 27,724 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा दोस्तों और प्रतिदिन 15.7 चक्कर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करेगा दोस्तों। पिछले ISS में, जिसे नवंबर 2000 में कक्षा में स्थापित किया गया था दोस्तों, के बाद से उसमें लगातार मानवीय उपस्थिति बनी हुई है दोस्तों। वर्तमान समय में इसमें 3 व्यक्तियों का स्थान है। भविष्य में इसे स्पेस एजेंसियों द्वारा 6 व्यक्तियों के रहने लायक तक बना दिया जाएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थित एक वेधशाला के तौर पर कार्य करता है दोस्तों। ये अन्य अंतरिक्ष यानों के मुकाबले इसके कई फायदे हैं दोस्तों, जिसमें इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहकर कार्य करने का मौका मिलता है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।